स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आफ्ताब अली पर। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाए सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए। वेलकम टू ऑल। आज मैं जिस वीडियो को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके संबंध में मैं ये कहूँगा कि ये पहले भी कई चैनलों पे आ गया है, जैसे टेक असिस्टेंट फॉर द ब्लाइंड आदि को और भी बहुत से चैनल्स पे इसके बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड फिर से मेरे पास आई थी तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर से उस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा। और यह छोटा सा एक वीडियो है। कई बार क्या होता है कि हमारे ख़ास तौर पर नए यूज़र्स या अगर वो चाहते हैं कि फ़ोन में जो नोटिफिकेशन पैनल वगैरह है या स्क्रीनशॉट है या स्क्रीन ब्राइटनेस है, इसके लिए उनको अलग से जो फैसिलिटी फ़ोन में होता है उसको ना करके वो उसको सिर्फ मतलब जो क्लिक करने के माध्यम से डायरेक्टली उसके लिए अगर वो चाहते हैं कि वो एक्सेसिबल मोड में हो के और एक एक्सेसिबल फॉर्म में हो जाए, तो उसके लिए हमारे फ़ोन में एक फीचर दिया होता है। बहुत से फ़ोनों में एक्सटर्नल सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शंस मिलता है उसमें ये फ़ीचर मिल जाता है, और बहुत से फ़ोनों में ये फीचर जो है वो जो ख़ासतौर पे सैमसंग वगैरह के जो फ़ोन हैं उनमें सेटिंग के अंदर सिंपली एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके और ये सारे फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को उसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, और इसमें भी यही होता है कि जो एक्सेसिबिलिटी जो बैक का बटन है सैमसंग के फ़ोन में, जहाँ बैक का बटन आता है उसी के जस्ट पास में एक्सेसिबिलिटी का बटन आ जाता है, और वहाँ पर जब आप उस एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को एक्टिवेट कर लेते हैं और उस एक्सेसिबिलिटी के बटन को क्लिक करने के बाद वो सारे फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि कहाँ से एक्टिवेट होगा, और ख़ासतौर पे जो अभी एंड्रॉयड के नए यूज़र हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुली फीचर है ये मेनली इसीलिए दिया ही गया है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के नाम पर। तो आइए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, है ना। ये एक्सेसिबिलिटी में हम आए। अब इसमें एक्सेसिबिलिटी के अंदर आने के बाद हमें जो जाना है वो है सर्विसेज में। Search, but more options. Screen mirror, visibility, hearing enhanced, interaction, advanced settings, install services, public accessibility, install services, talk back and forth services. Install services. है ना, इसके अंदर जाएंगे. Install services. Navigate up button. और. Install services. Talk back on. Talk back. Accessibility menu off. ये जो accessibility menu है, इसको हमें सिर्फ on कर देना है. Accessibility menu. Navigate up button. Accessibility menu. Accessibility menu off switch. ये off है. Accessibility menu off switch. ये आपसे परमिशन लेगा कि आपका फ़ोन जो है फुल कंट्रोल आप करवाना चाहते हैं या नहीं, तो इसको आपको अलाउ कर देना है सिंपली। ये अलाउ कर देंगे। ठीक है, आपके टॉप जो बॉटम में स्क्रीन का जो बॉटम है वहाँ एक एक्सेसिबिलिटी का बटन आ जाएगा। गॉट इट, इसको हम गॉट इट कर देंगे।
accessibility menu. Accessibility menu on. Switch. Got it. कर दिया और ये ऑन हो गया. Accessibility menu. Settings. Accessibility menu. Settings. The accessibility menu provides a large on-screen menu to control your phone. You can on your phone, control volume, brightness, take screenshots and more. ठीक है. स्क्रीनशॉट और बहुत सी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. मैं होम स्क्रीन पे आ रहा हूँ. अब देखता हूँ इसका फ़ायदा क्या है. देखिए ये मैं होम स्क्रीन पे आ गया. नीचे एक्सेसिबिलिटी का बटन है. ये एक्सेसिबिलिटी है ना. इसको हम क्लिक करते हैं. देखिए पहला ही मिला इसमें गूगल असिस्टेंट. मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग. अभी जो जिस हम एक्सेसिबिलिटी में यहीं से जाऊंगा और इसको ऑफ करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को मैंने जिस तरह से ऑन किया है. यहां से भी हम सीधे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जा सकते हैं. पावर ऑप्शंस. यहां हम अगर क्लिक कर देते हैं तो पावर ऑप्शंस के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. जैसे मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूं नमूना. ये देखिए पावर ऑफ, रिस्टार्ट, इमरजेंसी मोड, लॉकडाउन मोड है. तो ये सारे पावर ऑप्शंस में जो मिलते हैं हमें पावर की दबाने के बाद वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाते हैं. बैक कर रहा हूँ. वापस देखिए ये एक्सेसिबिलिटी हो गया हमें. पावर ऑप्शन, वॉल्यूम डाउन. यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. जैसे कम करेंगे देखिए 33%. मैंने जैसे क्लिक किया वॉल्यूम अप पे क्लिक कर रहा हूँ बार बार. म्यूजिक वॉल्यूम 60%, म्यूजिक वॉल्यूम 66%, म्यूजिक वॉल्यूम 73%, म्यूजिक वॉल्यूम 80%, म्यूजिक वॉल्यूम 86%, म्यूजिक वॉल्यूम 93%, म्यूजिक वॉल्यूम 100%. ठीक है ये म्यूजिक वॉल्यूम 100% मैंने किया. तो सिर्फ मुझे यही के यही सारे ऑप्शंस मिल गए. ये रिसेंट ऐप. वैसे तो रिसेंट ऐप का बटन होता भी है, आप मूव कर सकते हैं, पर रिसेंट ऐप इसमें भी दिखता है. ब्राइटनेस डाउन. देखिए देखिए मैं दिखाता हूँ आपको. क्लिक करता हूँ 16% बढ़ाता हूँ. जैसे मैं और कम करके बता रहा हूँ आपको. और इसी तरीके से ब्राइटनेस अप, लॉक स्क्रीन. अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो हमारा स्क्रीन लॉक हो जाएगा. जैसे यहाँ से भी आप, वैसे तो लॉक का बटन होता ही है, यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं आप. अब ये जो गो टू प्रीवियस स्क्रीन है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस स्क्रीन पे हैं इसलिए वो डिसेबल्ड रहेगा. नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं नया ऑप्शंस मिलेगा. हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे. ये हमारा नेक्स्ट स्क्रीन पे हम आ गए. नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं. जो हम क्विक सेटिंग खोलते हैं, कई बार अगर किसी में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है तो वहाँ पे भी फैसिलिटी होता है डायरेक्टली. अगर आप क्विक सेटिंग, जिसको हम हिंदी में त्वरित सेटिंग बोलेंगे, तो उसको दो बार आपको नोटिफिकेशन खोलने की जरूरत है. आप डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं नोटिफिकेशन. यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है. और गो टू प्रीवियस स्क्रीन. यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन है, है ना. तो ये स्क्रीन है नोटिफिकेशंस बटन. और क्विक सेटिंग्स बटन. ये आप जो देख रहे हैं ये क्विक स्क्रीन है, जो क्विक सेटिंग मैंने बताया था अभी आप लोगों को. मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ. कई बार लोगों को नोटिफिकेशन पैनल खोलने में समस्या होती है, तो जैसे मैं खोल, ये देखिए मैं क्लिक किया, नोटिफिकेशन खुल गया. और वापस मैं अपने होम स्क्रीन पे आ गया. तो अब हम एक्सेसिबिलिटी का जो हमने फीचर ऑन किया था, मैं इसी को फिर से ऑफ कर रहा हूँ. और आप लोग इसको अगर यूज़ करना चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं. तो इसको ऑन करने के लिए मैं वापस, अब मैं सेटिंग में नहीं जाऊँगा. क्यों? क्योंकि मेरे पास तो अभी एक्सेसिबिलिटी की फैसिलिटी है ना, तो क्यों ना उसका लाभ लिया जाए. तो देखिए मैं यहाँ से क्विक सेटिंग में प्रीवियस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा. ये
अब हमारा जो नेक्स्ट स्क्रीन आ रहा था और प्रीवियस डिसेबल आ रहा था, अब सेम वैसे ही हो गया। तो ये एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, ये हमारा आ गया। वापस सर्विसेज में गया मैं, इंस्टॉल सर्विसेज में और टॉगल में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑन, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है ना, इसको इसके अंदर जाएंगे मैं, जाऊंगा वापस में। टॉगल ऑन एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑन, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू नेविगेट ऑन गया, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑन स्विच, ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑन है, इसको वापस में ऑफ कर दूंगा। टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, कैंसिल बटन, टर्न ऑफ बटन, ऊपर की तरह ये पूछेगा कैंसिल बटन, कैंसिल और टर्न ऑफ बटन, टर्न ऑफ है ना, तो इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूं। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑफ स्विच, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑफ स्विच, यही हमारा सेटिंग था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। वैसे इसके बारे में बहुत से वीडियोस बने हैं, मैंने पहले ही कहा था, जैसे टेक असिस्टेंट फॉर द ब्लाइंड और दूसरे चैनलों पे ये वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन कई बार हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर किसी प्रकार की सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं वीडियो भले यहाँ पर अभी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर अदर भी कोई वीडियोज़ किसी की कोई लगता है और हम अगर हमारा अप्रोच उस तक है, तो हम आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप तक अदर किसी कोई अगर नॉलेजेबल चीज़ है तो हम उसको भी पहुंचाएं। और आप इस आप सब भी इस वीडियो को देख के और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि किसी प्रकार की कोई और हमारी दूसरी डिमांड, अगर लगता है कि किसी और चीज़ों पर वीडियोज आने चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट और दूसरे माध्यमों से। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और अपने फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लगते हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। Home screen, page 1 of 1, video recorder. अंत में विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।